मॉन्टे कॉलोनी टू वेन जेनस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकार आर जी गिनागा मोथोव ने की है और इसे बॉबी वाला चंद्र ने यूनिवर्स पिटाल नाटक के बैनर तले बी टी टम निम्ट बाबू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डिमोंटे कॉलोनी 2015 का स्क्वायल और नेथिने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया वाणी शंकर मरकजी किरदार में है जबकि अर्जुना रविचंद्रन टेस्टरन दोरजी और ओन पांडियान मीनाक्षी गोविंदराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटी कॉलोनी टू थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोत्सव तहरीर करता है आर अजय अंगना मोत्सव वेंकटी वेनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया। हबोली चंद्रन विजय सुब्रमण्यम आर सी राजकुमार अदाकारी और रोल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किन्नर ने तरमीम की है। कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीन सी एस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 15 अगस्त 2024 रनिंग टाइम 144 मिनट जबान तामिल 2022 में विनकटी वेनु गोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 के आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीम सियास ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है और एडिटिंग कुमार एच डी डेमोंट कॉलोनी इब्तदाई तौर पर सितंबर 2023 में रिलीज होना था लेकिन नामालूम वजूहत की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज होगी। फिल्म को नागदीन और शामगिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सिमुएल सीम रिचर्ड जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिल जिक्र से याब हुआ था अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट की इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डेबी जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की और शिबा है कि शाम की मौत हादसाती नहीं थी। डेबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीरा शुदा नुक्ता का इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनू हमल की कोशिश की थी जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरां खोलने के लिए जा रही है जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देखी और सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगियों को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रघव मरहूम वालद की वसीयत सामने आई जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनिवास श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दिवाशी डिबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें बे दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिडनी जो फ्लैट में अपनी मौत के मुँह में गिर गई थी जाग उठी। डेबी कागज पर लिखती है कि ये दहराएगा श्रीनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ जो दोनों वाक़यात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है।
मौजूदा 6 जून 2021 6 साल बाद वार्षिक नेडाबी को महाकला महायान पूजा करने का मशवरा दिया, जबकि श्रीनिवास संबोधों की याद में लाइफ स्पोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के सुसर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया जिससे श्रीनी की गैर फॉर्म मर्जी के मौत की इजाज़त मिलती है, जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी श्रीनी की तलाश करते हैं, डेबी की ने मुदाखलत करते हुए रघु को मुतनिबा किया कि अगर वो श्रीनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाक्य पेश आया जहां श्रीनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दियालन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजिजाना तौर पर रघु बच गया और श्रीनी पौधों की हालत में गिर गई। दुभाषी वजात करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और श्रीनी एक एटम में पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए। इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इससे वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रابطہ कायम करने की कोशिश की गई तो श्रीनी और रघु दोनों के चेहरे नमदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियाफ्त की, ऑन सिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम, जिसे शाम और राघव ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया, लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें राघव का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है, जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं, तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तिजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमा रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें, क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार रखेगी। दवाशी की इंतबाह के बावजूद राघव दयालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें 4 लड़कियां मिलती हैं जिन्हें 3 मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। जी 3 लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुँचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैंटे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन इन्फोनस की शिनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भोजन गाने का इतराफ किया जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी श्रीनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है, जब जरूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव डेबी और दवाशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दवाशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था, जबकि डेबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डेबी पर हमला करता है वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डेबी और दवाशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था, जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुआशी रसूमात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ होती है। दरियस ने रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है दुआशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है। डेमोंटे कॉलोनी जेनस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकारी आर जी गिनागा मोथो ने की है और इसे बॉबी वाला चंद्र ने यूनिवर्स पिटाल नाटक के बैनर तले बी टी निम्ट बाबू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डेमोंटे कॉलोनी 2015 का सिक्वल ओरल
नेथी ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया वाणी शंकर मरकजी किरदार में है, जबकि अर्जुना रविचंद्रन टेस्टरंग दोरजी अरुण पांडियान मीनाक्षी गोविंदराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटी कॉलोनी 2 थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोत्सव तहरीर करता है। आर अजय अंगना मोत्सव वेंकटी वैनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया। हबोली चंद्रन विजय सुब्रमण्यम आर सी राजकुमार अदाकारी और रोल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किन्नर ने तरमीम की है। कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीन सी एस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 15 अगस्त 2024 रनिंग टाइम 144 मिनट जबान तामल 2022 में विनकटी वैनो गोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली, जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 की आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीम सियास ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है और एडिटिंग कुमार एच डी। डेमोंट कॉलोनी इब्तदाई तौर पर सितंबर 2023 में रिलीज होना था, लेकिन नामालूम वजूहत की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज होगी। फिल्म को नाकदीन और शामगिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें, इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सिमुएल सीम रिचर्ड जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिल जिक्र से याब हुआ था अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट की इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डेबी जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की और शिबा है कि शाम की मौत धात जाती नहीं थी। डेबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीराशुदा नुक्ता का इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनू हमल की कोशिश की थी, जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरा खोलने के लिए जा रही है, जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देखी और सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगियों को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रघव मरहूम वालद की वसीयत सामने आई, जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनिवास श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं, जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दिवाशी डिबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है, जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें बे दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिडनी जो फ्लैट में अपनी मौत के मुँह में गिर गई थी जाग उठी। डेबी कागज़ पर लिखती है कि ये दहराएगा। श्रीनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ जो दोनों वाक़यात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। मौजूदा 6 जून 2021 6 साल बाद दुवाशी ने डेबी को महाकला महायाना पूजा करने का मशवरा दिया, जबकि श्रीनिवास संबोधों की याद में लाइफ स्पोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के ससुर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया, जिससे सिडनी की गैर फाल मर्जी के मौत की इजाज़त मिलती है, जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी सिडनी की तलाश करते हैं, डेबी की
ने मुदाखलत करते हुए लोगों को मुतनबा किया कि अगर वो सिडनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाकया पेश आया जहां सिडनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दी आलन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजिजाना तौर पर रघु बच गया और सिडनी पौधों की हालत में गिर गई। दुभाषी वजात करता है कि जुड़वां बच्चे रघु और सिडनी एक एटम में पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए। इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इस वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रابطہ कायम करने की कोशिश की गई तो सिडनी और रघु दोनों के चेहरे नमूदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियात की ऑन सिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम जिसे शाम और राघव ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया, लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें राघव का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं, तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमन रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार रखेगी। दवाशी की इंतबाह के बावजूद राघव दियालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें 4 लड़कियां मिलती हैं जिन्हें 3 मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। दी 3 लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुँचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैंटे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन अनुपूनस की शनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भोजन गाने का इतराफ़ किया जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी सिडनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है जब ज़रूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव डेबी और दवाशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दवाशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था जबकि डेबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डेबी पर हमला करता है वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डेबी और दवाशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुआशी रसूमात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ होती है। दरियसना रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है दुआशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है। डेमोंटे कॉलोनी जेनस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकुल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकार आर जी गिनागा मोथो ने की है और इसे बॉबी वाला चंद्र ने यूनिवर्स पिटाल नाव टॉक के बैनर तले बी टी निम्ट बाबू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डेमोंटे कॉलोनी 2015 का सिक्वायल और नेथी ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया वाणी शंकर मरकजी किरदार में है जबकि अर्जुना रविचंद्रन टेस्टरंग दोरजी और रोहन पांड्यान मीनाक्षी गोविंदराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटी कॉलोनी 2 थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोथ तहरीर करदा है
आर अजय नामोथ वेंकट वेनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया, हबोली चंद्रन विजय सुब्रमण्यम आर सिराज कुमार अदाकारी और रोल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने तरमीम की है कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीनसीएस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 15 अगस्त 2024 रनिंग टाइम 144 मिनट जबान तामिल 2022 में विंकटी वेनु गोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 की आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीम सियास ने तरतीब दी है, सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है, एडिटिंग कुमार एच डी डेमोंट कलोनी। इब्तदाई तौर पर सितंबर 2023 में रिलीज होना था लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर मल्टीवी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज होगी। फिल्म को नागदीन और शामगिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें, इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सिमुएल सीम रिचर्ड जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिल जिक्र से याब हुआ था अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट की इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डेबी जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की और शिबा है कि शाम की मौत हादसाती नहीं थी। डेबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीराशुदा नुक्ता का इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनू हमल की कोशिश की थी जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरा खोलने के लिए जा रही है जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देखी और सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगियों को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रघव मरहूम वालद की वसीयत सामने आई जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनिवास श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दिवाशी डीबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिडनी जो फ्लैट में अपनी मौत के मुँह में गिर गई थी जाग उठी। डेबी कागज़ पर लिखती है कि ये दहराएगा श्रीनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ जो दोनों वाक़यात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। मौजूदा 6 जून 2021 6 साल बाद दुवाशी ने डेबी को महाकला महायाना पूजा करने का मशवरा दिया जबकि श्रीनिवास संबोधों की याद में लाइफ सपोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के ससुर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया जिससे सिडनी की गैर फाल मर्जी के मौत की इजाज़त मिलती है जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी सिडनी की तलाश करते हैं डेबी की ने मुदाखलत करते हुए रघु को मुतनिबा किया कि अगर वो सिडनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाक्या पेश आया जहां सिडनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दी आलन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजूदाना तौर पर रघु बच गया और सिडनी पौधों की हालत में गिर गई। दुवाशी वजात करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और सिडनी एक एटम में
पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए, इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इससे वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रابطہ कायम करने की कोशिश की गई तो सिडनी और रघुव दोनों के चेहरे नमूदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियात की, ऑन सिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम, जिसे शाम और राघवन ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया, लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें राघव का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है, जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं, तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तिजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमन रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें, क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार रखेगी। दवाशी की इंतबाह के बावजूद राघव, दियालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें 4 लड़कियां मिलती हैं जिन्हें 3 मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। दी 3 लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुंचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन पूनस की शनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भोजन गाने का इतराफ़ किया, जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी सिरिनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है। जब जरूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव, डेबी और दवाशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दवाशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था जबकि डेबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डेबी पर हमला करता है, वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डेबी और दवाशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था, जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुआशी रस्मात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ होती है। दरियसना रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है, दुआशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है। डेमोंटे कॉलोनी जेनस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकुल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हदायतकार आर जी गिनागा मोथो ने की है और इसे बॉबी वाला चंद्र ने यूनिवर्स पिटाल नाव टॉक के बैनर तले बी टी निम्टबाहू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डेमोंटे कॉलोनी 2015 का सिक्वल और नेथी ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया भवानी शंकर मरकजी किरदार में है, जबकि अर्जुना रविचंद्रन टेस्टरंग दोरजी और रोहन पांड्यान मीनाक्षी गोविंदराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटी कॉलोनी 2 थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोत्सव तहरीर करता है। आर अजय अंगना मोत्सव वेंकटी वेनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया। हबोली चंद्रन विजय सिब्रमण्यम आर सी राजकुमार अदाकारी और रोल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किन्न ने तरमीम की है। कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीनसीएस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई
रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 15 अगस्त 2024। रनिंग टाइम 144 मिनट। जबान तामिल 2022 में विनकटी वेनु गोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली, जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 की आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सहीम सियास ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है और एडिटिंग कुमार एच डी। डेमोंट कॉलोनी इब्तदाई तौर पर सितंबर 2023 में रिलीज़ होना था, लेकिन नामालूम वजूहत की बिना पर मल्टीपी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को योम आज़ादी 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज़ होगी। फिल्म को नागदीन और शामगिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें, इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सैमुअल सीम रिचर्ड, जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिल जिक्र से याब हुआ था, अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट की इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डेबी जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की, और शिबा है कि शाम की मौत हादसाती नहीं थी। डेबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीराशुदा नुक्ता का इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनू हमल की कोशिश की थी, जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरा खोलने के लिए जा रही है, जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देखी और सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगियों को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रगब मरहूम वालद की वसीयत सामने आई, जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनिवास श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं, जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दिवाशी डिबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है, जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिडनी जो फ्लैट में अपनी मौत के मुँह में गिर गई थी जाग उठी। डेबी कागज़ पर लिखती है कि ये दहराएगा सिरिनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ, जो दोनों वाक़यात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। मौजूदा 6 जून 2021 6 साल बाद दुवाशी ने डेबी को महाकला महायाना पूजा करने का मशवरा दिया, जबकि श्रीनिवास संबोधों की याद में लाइफ स्पोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के ससुर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया, जिससे सिडनी की गैर फाल मर्जी के मौत की इजाज़त मिलती है, जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी सिडनी की तलाश करते हैं, डेबी की ने मुदाखलत करते हुए रघु को मुतनिबा किया कि अगर वो सिडनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाक्य पेश आया, जहां सिडनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दी आलन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजूदाना तौर पर रघु बाज किया और सिडनी पौधों की हालत में गिर गई। दुवाशी वजात करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और सिडनी एक एटम में पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए। इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इस वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रब्ता कायम करने की कोशिश की गई तो सिडनी और रघु दोनों के चेहरे नमदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियाफ्त की, ऑन सिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम, जिसे शाम और राघवन ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में
सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया, लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें रागों का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है, जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं, तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमन रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें, क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार रखेगी। दवाशी की इंतबाह के बावजूद राघव दियालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें 4 लड़कियां मिलती हैं जिन्हें 3 मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। दी 3 लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुँचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन अनुपूनस की शनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भूजन गाने का इतराफ़ किया जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी सिरिनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है। जब ज़रूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव डेबी और दवाशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दवाशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था जबकि डेबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डेबी पर हमला करता है वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डेबी और दवाशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था, जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुआशी रस्मात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ होती है। दरियसना रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है दुआशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है। डेमोंटे कॉलोनी जेनस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकुल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकार आर जी गिनागा मोथोव ने की है और इसे बॉबी बालाचंद्र ने यूनिवर्सल पिटाल नाटक के बैनर तले निम्टबाहू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डेमोंटे कॉलोनी 2015 का सिक्वल ओरल नेथी ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया वाणी शंकर मरकजी किरदार में है जबकि अर्जुना रविचंद्रन टेस्टरंग दोरजी और ओन पांडियान मीनाक्षी गोवर्धनराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटी कॉलोनी 2 थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोत्सव तहरीर करता है आर अजय अंगना मोत्सव वेंकटी वेनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया। हबोली चंद्रन विजय सिब्रमण्यम आर सी राजकुमार अदाकारी और ओरोल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किन्नन ने तरमीम की है। कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीनसीएस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 15 अगस्त 2024 रनिंग टाइम 144 मिनट जबान तामिल 2022 में विनकटी वेनु गोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 की आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीम सियास ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है। एडिटिंग कुमारेश डी। डेमोंट कॉलोनी अब्तदाई तौर पर
सितंबर 2023 में रिलीज होना था लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर मल्टीपी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी अगस्त 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज़ होगी। फिल्म को नागरिक और शामिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें, इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सैमुअल सीम रिचर्ड, जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिल जिक्र से याब हुआ था, अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट की इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डेबी, जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की, और शिबा है कि शाम की मौत धा जाती नहीं थी। डेबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीराशुदा नुक्ता का इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनू हमल की कोशिश की थी, जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरा खोलने के लिए जा रही है, जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देखी और सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगी को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रगव मरहूम वालद की वसीयत सामने आई, जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं, जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दिवाशी डिबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है, जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिडनी, जो फ्लैट में अपनी मौत के मुँह में गिर गई थी, जाग उठी। डेबी कागज़ पर लिखती है कि ये दहराएगा सिडनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ, जो दोनों वाक़यात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। मौजूदा 6 जून 2021 6 साल बाद दुवाशी ने डेबी को महाकला महायाना पूजा करने का मशवरा दिया, जबकि श्रीनिवास संपोदों की याद में लाइफ स्पोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के ससुर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया, जिससे सिडनी की गैर फॉर्म मर्जी के मौत की इजाज़त मिलती है, जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी सिडनी की तलाश करते हैं, डेबी की ने मुदाखलत करते हुए रघु को मुतनिब्बा किया कि अगर वो सिडनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाक्य पेश आया, जहां सिडनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दियालन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजूदाना तौर पर रघु बच गया और सिडनी पौधों की हालत में गिर गई। दुवाशी वजात करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और सिडनी एक एटम में पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए। इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इस वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रबता कायम करने की कोशिश की गई तो सिडनी और रघु दोनों के चेहरे नमदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियाफ्त की, ऑन सिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम, जिसे शाम और राघव ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया, लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें राघव का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है, जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है, जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं, तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर
की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर खत्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमन रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार रखेगी। दवाशी की इंतबाह के बावजूद राघव दियालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें चार लड़कियां मिलती हैं जिन्हें तीन मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। दी तीन लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुंचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन पूनस की शनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भूजन गाने का इतराफ किया जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी सिरिनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है। जब जरूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव डेबी और दवाशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दवाशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था जबकि डेबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डेबी पर हमला करता है वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डेबी और दवाशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुआशी रस्मात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ होती है। दरियसना रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है दुआशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है। डेमोंटे कलोनी जेनस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकुल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकार आर जी गिनागा मोथोव ने की है और इसे बॉबी बालाचंद्र ने यूनिवर पिटाल नाटॉक के बैनर तले बी टी टम निम टबाहू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डेमोंटे कॉलोनी 2015 का सिक्वायल ओरल नेथी ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया वाणी शंकर मरकजी किरदार में है जबकि अर्जना रविचंद्रन टेस्टरंग दोरजी और ओन पांडियान मीनाक्षी गोवर्धनराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटे कॉलोनी 2 थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगनामोत्सव तहरीर करता है आर अजय अंगनामोत्सव वेंकटी वेनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया। हबोली चंद्रन विजय सुब्रमण्यम आर सी राजकुमार अदाकारी और ओरल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किन्नन ने तरमीम की है। कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीन सी एस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 15 अगस्त 2024 रनिंग टाइम 144 मिनट जबान तामिल 2022 में विनकटी वेनु गोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 के आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीम सियास ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है। एडिटिंग कुमार एश डी। डेमोंटे कॉलोनी इब्तदाई तौर पर सितंबर 2023 में रिलीज होना था लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी अगस्त 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज़ होगी। फिल्म को नागदीन और शामगिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें। इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सिमोइल सीम
रिचर्ड जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिले जिक्र से याब हुआ था अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट के इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डेबी जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की और शिबा है कि शाम की मौत धा जाती नहीं थी। डेबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीराशुदा नुक्ता का इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनू हमल की कोशिश की थी जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरा खोलने के लिए जा रही है जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देखी और सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगी को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रघव मरहूम वालद की वसीयत सामने आई जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनिवास श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दुबाशी डिबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें बे दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिडनी जो फ्लैट में अपनी मौत के मुंह में गिर गई थी जाग उठी। डेबी कागज पर लिखती है कि ये दहराएगा सिडनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ जो दोनों वाकयात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। मौजूदा 6 जून 2021 6 साल बाद दुबाशी ने डेबी को महाकला महायाना पूजा करने का मशवरा दिया जबकि श्रीनिवास संबोधों की हालत में लाइफ सपोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के ससुर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया जिससे सिडनी की गैर फॉर्म मर्जी के मौत की जाय मिलती है जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी सिडनी की तलाश करते हैं डेबी की ने मुदाखलत करते हुए रघु को मुतनिब्बा किया कि अगर वो सिडनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाक्य पेश आया जहां सिडनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दियालन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजूदाना तौर पर रघु बच गया और सिडनी पौधों की हालत में गिर गई। दुबाशी वजाहत करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और सिडनी एक एटम में पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए। इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इस वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रब्ता कायम करने की कोशिश की गई तो सिडनी और रघु दोनों के चेहरे नमदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियाफ्त की ऑन सिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम जिसे शाम और राघव ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें राघव का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमन रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार
रखेगी दवा शिकीन तबाह के बावजूद राघव दयालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें चार लड़कियां मिलती हैं जिन्हें तीन मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। जी तीन लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुंचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैंटे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन पूनस की शिनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भूजन गाने का इतराफ किया जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी सिरिनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है। जब जरूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव डैबी और दुआशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दुआशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था जबकि डैबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डैबी पर हमला करता है वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डैबी और दुआशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुआशी रस्मात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ होती है। दरियसना रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है दुआशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है। डेमोंटे कॉलोनी ट्रू वेंजेंस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकुल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकार आरजी गिनागा मोथोव ने की है और इसे बॉबी बालाचंद्र ने यूनिवर पिटाल नाटॉक के बैनर तले बी टी टम निम्ट बाबू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डिमोंटे कॉलोनी 2015 का स्क्वायल ओरल नेथी ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया वाणी शंकर मरकजी किरदार में है जबकि अर्जुना रविचंद्रन टेस्टरंग दोरजी और ओन पांडियान मीनाक्षी गोवर्धनराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटे कॉलोनी 2 थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोत्सव तहरीर करता है आर अजय अंगना मोत्सव वेंकटी वेनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया। हबोली चंद्रन विजय सुब्रमण्यम आर सी राजकुमार अदाकारी और ओरोल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किन्नन ने तरमीम की है। कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीनसीएस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 15 अगस्त 2024 रनिंग टाइम 144 मिनट जबान तामिल 2022 में विनकटी वेनम गोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 की आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीएमसीएस ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है। एडिटिंग कुमार एश डी डेमोंट कॉलोनी इब्तदाई तौर पर सितंबर 2023 में रिलीज होना था लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी अगस्त 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज़ होगी। फिल्म को नागदीन और शामगिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें। इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सिमुएल सीम रिचर्ड जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिल जिक्र से याब हुआ था अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट की इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डैबी जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की और शिबा है कि शाम की मौत जाती नहीं थी। डैबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीरा शुदा नुक्ता का
इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनू हमल की कोशिश की थी, जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरा खोलने के लिए जा रही है, जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देख और सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगी को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रगब मरहूम वालद की वसीयत सामने आई, जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनिवास श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वां भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं, जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दुबाशी डिबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है, जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिडनी जो फ्लैट में अपनी मौत के मुंह में गिर गई थी जाग उठी। डेबी कागज पर लिखती है कि ये दहराएगा। सिडनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ जो दोनों वाकयात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। मौजूदा 6 जून 2021 6 साल बाद दुबाशी ने डेबी को महाकला महायाना पूजा करने का मशवरा दिया, जबकि श्रीनिवास संबोधों की याद में लाइफ सपोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के ससुर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया, जिससे सिडनी की गैर फार्म मर्जी के मौत की जाय मिलती है, जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी सिडनी की तलाश करते हैं, डेबी की ने मुदाखलत करते हुए रघु को मुतनिब्बा किया कि अगर वो सिडनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाक्य पेश आया, जहाँ सिडनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दियालन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजूदाना तौर पर रघु बच गया और सिडनी पौधों की हालत में गिर गई। दुबाशी वजात करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और सिडनी एक एटम में पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए। इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इस वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रबता कायम करने की कोशिश की गई तो सिडनी और रघु दोनों के चेहरे नमदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियाफ्त की, ऑन सिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम, जिसे शाम और रघु ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया, लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें राघव का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है, जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं, तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमन रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें, क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार रखेगी। दवाशी की इंतबाह के बावजूद राघव दयालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें 4 लड़कियां मिलती हैं, जिन्हें 3 मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। दी 3 लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुँचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैंटे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन फोनस
की शिनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भोजन गाने का इतराफ किया जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी सिरिनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है। जब जरूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरा के अंदर फंसे हुए राघव डैबी और दुआशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दुआशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरा में ऑर्डर लेने आया था जबकि डैबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डैबी पर हमला करता है वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डैबी और दुआशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था, जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुआशी रसूमात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ होती है। दरियसना रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है, दुआशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है। डेमोंटे कॉलोनी ट्रू वेंजेंस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकुल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकार यार जिगनागरा गिनागा मोथव ने की है और इसे बॉबी वाला चंद्र ने यूनिवर पिटाल नाटॉक के बैनर तले बी टी निम्टबाहू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डेमोंटे कॉलोनी 2015 का सिक्वल ओरल नेथी ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया वाणी शंकर मरकजी किरदार में है जबकि अर्जुना रविचंद्रन टेस्टरंग दोरजी और ओन पांडियान मीनाक्षी गोवर्धनराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटे कॉलोनी 2 थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोत्सव तहरीर करता है आर अजय अंगना मोत्सव वेंकटी वेनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया। हबोली चंद्रन विजय सुब्रमण्यम आर सी राजकुमार अदाकारी और ओरोल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किन्नन ने तरमीम की है। कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीनसीएस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीखें रिहाई 15 अगस्त 2024 रनिंग टाइम 144 मिनट जबान तामिल 2022 में विनकटी वेणुगोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 के आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीम सियास ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है और एडिटिंग कुमार एच डी। डेमोंटे कॉलोनी इब्तदाई तौर पर सितंबर 2023 में रिलीज होना था लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर मल्टीवी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज़ होगी। फिल्म को नागदीन और सामगीन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें, इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सिमोइल सीम रिचर्ड जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिल जिक्र से याब हुआ था अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट की इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डैबी जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की और शिबा है कि शाम की मौत धार जाती नहीं थी। डैबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डैबी ने शाम को जखीराशुदा नुक्ता का इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनूई हमल की कोशिश की थी जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डैबी चेन्नई में अपना रेस्तरा खोलने के लिए जा रही है जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देखी और सिडनी को ठोकर खाई। वो सांप की मौजूदगी को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर सांप की रूह से ज़्यादा दोबारा रابطہ करने की कोशिश करने
के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रगब मरहूम वालद की वसीयत सामने आई, जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्री नवाज श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं, जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दुबाशी डिबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है, जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें वे दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिरिनी, जो फ्लैट में अपनी मौत के मुंह में गिर गई थी, जाग उठी। डेबी कागज पर लिखती है कि ये दहराएगा। श्रीनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ, जो दिन दोनों वाक़यात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। मौजूदा 6 जून 2021, 6 साल बाद दुबाशी ने डेबी को महाकला महायाना पूजा करने का मशवरा दिया, जबकि श्रीनिवास संबोधो की याद में लाइफ सपोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के ससुर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया, जिससे श्रीनी की गैर फार मर्जी के मौत की जाय मिलती है, जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी श्रीनी की तलाश करते हैं, डेबी की ने मुदाखलत करते हुए रघु को मुतनिबा किया कि अगर वो श्रीनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाक्य पेश आया, जहां श्रीनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दियालन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजूदाना तौर पर रघु बच गया और श्रीनी पौधों की हालत में गिर गई। दुबाशी वजाहत करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और श्रीनी एक एटम में पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए। इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इससे वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रबता कायम करने की कोशिश की गई तो श्रीनी और रघु दोनों के चेहरे नमदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियाफ्त की, ऑन सिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम, जिसे शाम और राघव ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया, लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें राघव का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है, जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है, जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं, तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमन रमानगी के लिए बचा ले, ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें, क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार रखेगी। दवाशी की इंतबाह के बावजूद राघव, दयालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें 4 लड़कियां मिलती हैं, जिन्हें 3 मादा भूतों ने कैद कर रखा था, जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। दी 3 लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुँचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैंटे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन पूनस की शिनाख्त करता है, जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भूजन गाने का इतराफ किया, जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी श्रीनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है। जब जरूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव, डेबी और दुबाशी एक वीडियो में देख रहे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि राघव, दुबाशी और छोटे लड़के को
मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था। ऑर्डर लेने आया था जबकि डेविड शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डेविड पर हमला करता है, वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डेबी और दवाशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था, जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दवाशी रसूमात शुरू करता है जिससे लोगों को तकलीफ होती है। दरियसना रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है, दवाशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है। डेमोंटे कॉलोनी टू वेन जेनस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकुल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकार यार जी गिनागा मोथव ने की है और इसे बॉबी वाला चंद्र ने यूनिवर पिटाल नाटॉक के बैनर तले बी टी टम निम्ट बाबू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डेमोंटे कॉलोनी 2015 का सिक्वल और नेथ ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया वाणी शंकर मरकजी किरदार में है जबकि अर्जुना रविचंद्रन टेस्टन दोरजी और ओन पांडियान मीनाक्षी गोवर्धनराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटे कॉलोनी टू थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोत्सव तहरीर करता है आर अजय अंगना मोत्सव वेंकटी वैनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया। हबोली चंद्रन विजय सुब्रमण्यम आर सी राजकुमार अदाकारी और ओल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किन्न ने तरमीम की है। कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीन सी एस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीखें रिहाई 15 अगस्त 2024 रनिंग टाइम 144 मिनट जबान तामिल 2022 में विनकटी वैनो गोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 के आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीम सियास ने तरतीब दी है, सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है और एडिटिंग कुमार एच डी। डेमोंटे कॉलोनी इब्तदाई तौर पर सितंबर 2023 में रिलीज़ होना था लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर मल्तवी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी अगस्त 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज़ होगी। फिल्म को नागदीन और शामगिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें, इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सिमोइल सीम रिचर्ड जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिल जिक्र से याब हुआ था अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट की इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डेबी जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की और शिबा है कि शाम की मौत धार जाती नहीं थी। डेबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीरा शुदा नुक्ता का इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनूई हमल की कोशिश की थी जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरां खोलने के लिए जा रही है जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देखी और सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगियों को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रघव मरहूम वालद की वसीयत सामने आई जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनिवास श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम
शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दिवाशी डीबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें भी दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुन मोड़ में सिडनी जो फ्लैट में अपनी मौत के मुंह में गिर गई थी जाग उठी। डेबी कागज पर लिखती है कि ये दहराएगा। सिडनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ जो दोनों वाकयात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। मौजूदा 6 जून 2021 6 साल बाद दुवाशी ने डेबी को महाकला महायाना पूजा करने का मशवरा दिया जबकि श्रीनिवास संबोधों की याद में लाइफ स्पोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के ससुर के जेरे इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया जिससे सिडनी की गैर फॉर्म मर्जी के मौत की इजाज़त मिलती है जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी सिडनी की तलाश करते हैं डेबी की ने मुदाखलत करते हुए रघु को मुतनिब्बा किया कि अगर वो सिडनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाक्य पेश आया जहां सिडनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दी आलन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजिजाना तौर पर रघु बच गया और सिडनी पौधों की हालत में गिर गई। दुवाशी वजाहत करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और सिडनी एक एटम में पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए। इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इससे वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रबता कायम करने की कोशिश की गई तो सिडनी और रघु दोनों के चेहरे नमदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियाफ्त की अनसिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम जिसे शाम और राघव ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें राघव का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं। तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तिजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमन रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार रखेगी। दवाशी की इंतबाह के बावजूद राघव दयालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें 4 लड़कियां मिलती हैं जिन्हें 3 मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। दी 3 लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुँचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैंटे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन पूनस की शिनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भोजन गाने का इतराफ किया जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी सिडनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है। जब जरूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव डेबी और दवाशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दवाशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था जबकि डेबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डेबी पर हमला करता है वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डेबी और दवाशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुवाशी रसूमात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ़ होती है। दरियसना रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है दुवाशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है।
डीमोंटे कॉलोनी टू वेंजेंस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकार यार गिनागा मोथव ने की है और इसे बॉबी बालाचंद्रन ने यूनिवर्स पिटाल नाटक के बैनर तले बी टी निम्ट बाबू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डीमोंटे कॉलोनी 2015 का सिक्वल और नेथि ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया वाणी शंकर मरकजी किरदार में है जबकि अर्जुना रविचंद्रन टेस्टरन दोरजी और ओन पांडियान मीनाक्षी गोवर्धनराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डीमोंटे कॉलोनी टू थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोथव तहरीर करता है आर अजय अंगना मोथव वेंकटी वेनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया। हबोली चंद्रन विजय सुब्रमण्यम आर सी राजकुमार अदाकारी और रोल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किन्नर ने तरमीम की है। कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीन सी एस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 15 अगस्त 2024 रनिंग टाइम 144 मिनट जबान तामिल 2022 में विनकटी वेनम गोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 के आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीम सियास ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है और एडिटिंग कुमार एच डी। डीमोंटे कॉलोनी इब्तदाई तौर पर सितंबर 2023 में रिलीज होना था लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज होगी। फिल्म को नागरिक और शामिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सिमुएल सीम रिचर्ड जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिल जिक्र से याब हुआ था अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट की इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डेबी जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की और शिबा है कि शाम की मौत धार जाती नहीं थी। डेबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीराशुदा नुक्ता का इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनूई हमल की कोशिश की थी जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरां खोलने के लिए जा रही है जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देखी और सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगियों को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रघव मरहूम वालद की वसीयत सामने आई जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनिवास श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दिवाशी डीबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें भी दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिडनी जो फ्लैट में अपनी मौत के मुँह में गिर गई थी जाग उठी। डेबी कागज पर लिखती है कि ये दहराएगा श्रीनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ जो दोनों वाक़यात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है।
मौजूदा 6 जून 2021 6 साल बाद वार्षिक ने डेबी को महाकला महायान पूजा करने का मशवरा दिया, जबकि श्रीनिवास संबोधन की याद में लाइफ स्पोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के सुसर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया जिससे श्रीनी की गैर फॉर्म मर्जी के मौत की इजाज़त मिलती है, जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी श्रीनी की तलाश करते हैं, डेबी की ने मुदाखलत करते हुए रघु को मुतनिबा किया कि अगर वो श्रीनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाक्य पेश आया जहां श्रीनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दियालन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजूदाना तौर पर रघु बच गया और श्रीनी पौधों की हालत में गिर गई। दुभाषी वजात करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और श्रीनी एक एटम में पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए। इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इससे वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रابطہ कायम करने की कोशिश की गई तो श्रीनी और रघु दोनों के चेहरे नमदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियाफ्त की, ऑन सिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम, जिसे शाम और राघव ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया, लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें राघव का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है, जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं, तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तिजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमन रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें, क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार रखेगी। दवाशी की इंतबाह के बावजूद राघव दयालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें 4 लड़कियां मिलती हैं जिन 3 मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। जी 3 लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुँचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन इन्फोनस की शिनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भोजन गाने का इतराफ किया जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी श्रीनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है, जब जरूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव डेबी और दवाशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दवाशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था, जबकि डेबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डेबी पर हमला करता है वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डेबी और दवाशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था, जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुआशी रसूमात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ होती है। दरियस ने रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है दुआशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है। डेमोंटे कॉलोनी ट्रू वेन जेनस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकुल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकार आर जी गिनागा मोथो ने की है और इसे बॉबी बालाचंद्र ने यूनिवर्स पिटाल नाटक के बैनर तले बी टी निम्ट बाबू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डेमोंटे कॉलोनी 2015 का सिक्वल ओरल
नेथी ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया वाणी शंकर मरकजी किरदार में है, जबकि अर्जुना रविचंद्रन टेस्टम दोरजी और ओन पांडियान मीनाक्षी गोविंद राजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटी कॉलोनी टू थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोत्सव तहरीर करता है। आर अजय अंगना मोत्सव वेंकटी वैनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया। हबोली चंद्रन विजय सुब्रमण्यम आर सी राजकुमार अदाकारी और रोल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किन्नर ने तरमीम की है। कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीन सी एस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 15 अगस्त 2024 रनिंग टाइम 144 मिनट जबान तामल 2022 में विनकटी वैनो गोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली, जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 की आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीम सियास ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है और एडिटिंग कुमार एच डी। डेमोंट कॉलोनी इब्तदाई तौर पर सितंबर 2023 में रिलीज होना था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज होगी। फिल्म को नाकदीन और शामगिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें, इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सिमुएल सीम रिचर्ड जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिल जिक्र से याब हुआ था अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट की इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डेबी जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की और शिबा है कि शाम की मौत धात जाती नहीं थी। डेबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीराशुदा नुक्ता का इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनू हमल की कोशिश की थी, जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरा खोलने के लिए जा रही है, जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देखी और सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगियों को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रघव मरहूम वालद की वसीयत सामने आई, जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनिवास श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं, जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दिवाशी डिबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है, जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें बे दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिडनी जो फ्लैट में अपनी मौत के मुँह में गिर गई थी जाग उठी। डेबी कागज़ पर लिखती है कि ये दहराएगा। श्रीनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ जो दोनों वाक़यात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। मौजूदा 6 जून 2021 6 साल बाद दुवाशी ने डेबी को महाकला महायाना पूजा करने का मशवरा दिया, जबकि श्रीनिवास संबोधों की याद में लाइफ स्पोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के ससुर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया, जिससे सिडनी की गैर फाल मर्जी के मौत की इजाज़त मिलती है, जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी सिडनी की तलाश करते हैं, डेबी की
ने मुदाखलत करते हुए लोगों को मुतनबा किया कि अगर वो सिडनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाकया पेश आया जहां सिडनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत रागो दी आलन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजिजाना तौर पर रघु बच गया और सिडनी पौधों की हालत में गिर गई। दुभाषी वजात करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और सिडनी एक एटम में पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए। इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इस वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रबता कायम करने की कोशिश की गई तो सिडनी और रघु दोनों के चेहरे नमदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियात की, अनसिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम, जिसे शाम और राघव ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया, लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें राघव का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है, जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं, तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमन रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें, क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार रखेगी। दवाशी की इंतबाह के बावजूद राघव दियालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें 4 लड़कियां मिलती हैं जिन्हें 3 मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। दी 3 लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुंचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैंटे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन फूनस की शनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भोजन गाने का इतराफ़ किया जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी सिडनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है, जब जरूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव डेबी और दवाशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दवाशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था जबकि डेबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डेबी पर हमला करता है वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डेबी और दवाशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था, जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुआशी रसूमात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ होती है। दरियसना रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है दुआशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है। डेमोंटे कॉलोनी जेनस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकार आर जी गिनागा मोथो ने की है और इसे बॉबी वाला चंद्र ने यूनिवर्स पिटाल नाटॉक के बैनर तले बी टी निम्ट बाबू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डेमोंटे कॉलोनी 2015 का सिक्वायल और नेथी ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया वाणी शंकर मरकजी किरदार में है जबकि अर्जुना रविचंद्रन टेस्टरंग दोरजी और रोहन पांड्यान मीनाक्षी गोविंदराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटी कॉलोनी 2 थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोथ तहरीर करदा है
आर अजय अगनामोथ वेंकटी वेनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया, हबोली चंद्रन विजय सुब्रमण्यम आर सिराज कुमार अदाकारी और रोल नीति प्रिया वाणी शंकर, सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने तरमीम की है कुमारेश डी, म्यूजिक बजरिया सीन सी एस, पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 15 अगस्त 2024, रनिंग टाइम 144 मिनट, जबान तामिल 2022 में विंकटी वेनु गोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली, जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 की आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीम सियास ने तरतीब दी है, सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है, एडिटिंग कुमार एच डी। डेमोंट कलोनी इब्तदाई तौर पर सितंबर 2023 में रिलीज होना था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर मल्तवी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज होगी। फिल्म को नागदीन और शामगिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें, इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024, माजी 6 जून 2009, इस खौफनाक रात को सैमुअल सीम रिचर्ड, जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिल जिक्र से याब हुआ था, अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट की इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डेबी जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की, और शिबा है कि शाम की मौत धाजाती नहीं थी। डेबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीराशुदा नुक्ता का इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनू हमल की कोशिश की थी, जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरा खोलने के लिए जा रही है, जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देखी और सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगियों को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रघव मरहूम वालद की वसीयत सामने आई, जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनिवास श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं, जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दिवाशी डिबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है, जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिडनी, जो फ्लैट में अपनी मौत के मुँह में गिर गई थी, जाग उठी। डेबी कागज़ पर लिखती है कि ये दहराएगा श्रीनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ, जो दोनों वाक़यात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। मौजूदा 6 जून 2021, 6 साल बाद दुवाशी ने डेबी को महाकला महायाना पूजा करने का मशवरा दिया, जबकि श्रीनिवास संबोधों की याद में लाइफ स्पोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के ससुर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया, जिससे सिडनी की गैर फॉर्म मर्जी के मौत की जाय मिलती है, जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी सिडनी की तलाश करते हैं, डेबी की ने मुदाखलत करते हुए रघु को मुतनिब्बा किया कि अगर वो सिडनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाक्या पेश आया, जहां सिडनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दियालन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजूदाना तौर पर रघु बच गया और सिडनी पौधों की हालत में गिर गई। दुवाशी वजात करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और सिडनी एक एटम में
पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए, इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इससे वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रابطہ कायम करने की कोशिश की गई तो सिडनी और रघुव दोनों के चेहरे नमूदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियात की, ऑन सिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम, जिसे शाम और राघव ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया, लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें राघव का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है, जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं, तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमन रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें, क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार रखेगी। दवाशी की इंतबाह के बावजूद राघव, दियालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें 4 लड़कियां मिलती हैं जिन्हें 3 मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। दी 3 लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुंचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन पूनस की शनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भोजन गाने का इतराफ़ किया जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी सिरिनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है। जब जरूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव, डेबी और दवाशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दवाशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था जबकि डेबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डेबी पर हमला करता है वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डेबी और दवाशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था, जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुआशी रस्मात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ होती है। दरियसना रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है, दुआशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है। डेमोंटे कॉलोनी जेनस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकुल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकार आर जी गिनागा मोथो ने की है और इसे बॉबी बालाचंद्र ने यूनिवर्स पिटाल नाटक के बैनर तले निम्टबाहू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डेमोंटे कॉलोनी 2015 का सिक्वायल और नेथी ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया वाणी शंकर मरकजी किरदार में है जबकि अर्जुना रविचंद्रन टेस्टरंग दोरजी और रोहन पांड्यान मीनाक्षी गोविंदराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटी कॉलोनी 2 थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोथव तहरीर करता है। आर अजय अंगना मोथव वेंकटी वेनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया। हबोली चंद्रन विजय सुब्रमण्यम आर सी राजकुमार अदाकारी और रोल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किन्न ने तरमीम की है। कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीनसीएस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई
रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 15 अगस्त 2024। रनिंग टाइम 144 मिनट। जबान तामिल 2022 में विनकटी वेनु गोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली, जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 की आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीम सियास ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है और एडिटिंग कुमार एच डी डेमोंड कलोनी। इब्तदाई तौर पर सितंबर 2023 में रिलीज़ होना था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज़ होगी। फिल्म को नाकदीन और शामगिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें, इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सिमुएल सीम रिचर्ड, जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिल जिक्र से याब हुआ था, अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट की इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डेबी जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की, और शिबा है कि शाम की मौत हादसाती नहीं थी। डेबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीराशुदा नुक्ता का इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनू हमल की कोशिश की थी, जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरा खोलने के लिए जा रही है, जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देखी और सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगियों को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रगब मरहूम वालद की वसीयत सामने आई, जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनिवास श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं, जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दुबाशी डिबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है, जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिडनी, जो फ्लैट में अपनी मौत के मुँह में गिर गई थी, जाग उठी। डेबी कागज़ पर लिखती है कि ये दहराएगा। सिरिनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ, जो दोनों वाक़यात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। मौजूदा 6 जून 2021 6 साल बाद दुबाशी ने डेबी को महाकला महायाना पूजा करने का मशवरा दिया, जबकि श्रीनिवास संबोधों की याद में लाइफ स्पोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के ससुर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया, जिससे सिडनी की गैर फाल मर्जी के मौत की इजाज़त मिलती है, जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी सिडनी की तलाश करते हैं, डेबी की ने मुदाखलत करते हुए रघु को मुतनिबा किया कि अगर वो सिडनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाकया पेश आया, जहां सिडनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दियालन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजूदाना तौर पर रघु बच गया और सिडनी पौधों की हालत में गिर गई। दुबाशी वजात करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और सिडनी एक एटम में पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए। इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इस वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रबता कायम करने की कोशिश की गई तो सिडनी और रघु दोनों के चेहरे नमदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियाफ्त की, ऑन सिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम, जिसे शाम और राघवन ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में
सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया, लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें रागों का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है, जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं, तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमन रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें, क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार रखेगी। दवाशी की इंतबाह के बावजूद राघव दियालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें 4 लड़कियां मिलती हैं जिन्हें 3 मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। दी 3 लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुंचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन फूनस की शनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भोजन गाने का इतराफ़ किया जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी सिरिनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है। जब जरूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव डेबी और दवाशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दवाशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था जबकि डेबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डेबी पर हमला करता है वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डेबी और दवाशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था, जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुआशी रस्मात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ होती है। दरियसना रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है दुआशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है। डेमोंटे कॉलोनी जेनस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकुल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकार यार जी गिनागा मोथो ने की है और इसे बॉबी वाला चंद्र ने यूनिवर्स पिटाल नाव टॉक के बैनर तले बी टी टम निम्ट बाबू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डेमोंटे कॉलोनी 2015 का सिक्वल और नेथी ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया भवानी शंकर मरकजी किरदार में है जबकि अर्जुना रविचंद्रन टेस्टरंग दोरजी और रोहन पांड्यान मीनाक्षी गोविंदराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटी कॉलोनी 2 थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोथव तहरीर करता है। आर अजय अंगना मोथव वेंकटी वेनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया। हबोली चंद्रन विजय सिब्रमण्यम आर सी राजकुमार अदाकारी और ओल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किन्न ने तरमीम की है। कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीनसीएस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 15 अगस्त 2024 रनिंग टाइम 144 मिनट जबान तामिल 2022 में विनकटी वेनो गोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 की आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीम सियास ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है। रेडिक्टिंग कुमारेश डी डेमोंट कॉलोनी इब्तदाई तौर पर
सितंबर 2023 में रिलीज होना था लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर मल्टीपी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी अगस्त 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज़ होगी। फिल्म को नागदीन और शामगिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें, इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सैमुअल सीम रिचर्ड, जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिल जिक्र से याब हुआ था, अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट की इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डेबी, जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की, और शिबा है कि शाम की मौत हादसाती नहीं थी। डेबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीराशुदा नुक्ता का इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनू हमल की कोशिश की थी, जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरा खोलने के लिए जा रही है, जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देखी और सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगियों को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रगव मरहूम वालद की वसीयत सामने आई, जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनिवास श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं, जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दिवाशी डिबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है, जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिडनी, जो फ्लैट में अपनी मौत के मुंह में गिर गई थी, जाग उठी। डेबी कागज़ पर लिखती है कि ये दहराएगा। सिडनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ, जो दोनों वाक़यात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। मौजूदा 6 जून 2021 6 साल बाद दुवाशी ने डेबी को महाकला महायाना पूजा करने का मशवरा दिया, जबकि श्रीनिवास संपोदों की याद में लाइफ स्पोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के ससुर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया, जिससे सिडनी की गैर फाल मर्जी के मौत की इजाज़त मिलती है, जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी सिडनी की तलाश करते हैं, डेबी की ने मुदाखलत करते हुए रघु को मुतनिबा किया कि अगर वो सिडनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाक्य पेश आया, जहां सिडनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दी आलन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजूदाना तौर पर रघु बच गया और सिडनी पौधों की हालत में गिर गई। दुवाशी वजात करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और सिडनी एक एटम में पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए। इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इससे वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रब्ता कायम करने की कोशिश की गई तो सिडनी और रघु दोनों के चेहरे नमदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियाफ्त की, ऑन सिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम, जिसे शाम और राघव ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया, लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें राघव का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है, जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है, जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं, तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर
की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर खत्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को रमन रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार रखेगी। दवाशी की इंतबाह के बावजूद राघव दियालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें चार लड़कियां मिलती हैं जिन्हें तीन मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। दी तीन लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुंचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन पूनस की शनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भूजन गाने का इतराफ किया जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी सिरिनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है। जब जरूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव डेबी और दवाशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दवाशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था जबकि डेबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डेबी पर हमला करता है वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डेबी और दवाशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुआशी रसूमात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ होती है। दरियसना रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है दुआशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है। डेमोंटे कलोनी जेनस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकुल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हदायतकारी आर जी गिनागा मोथोव ने की है और इसे बॉबी वाला चंद्र ने यूनिवर पिटाल नाव टॉक के बैनर तले बी टी टम निम टबाहू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डेमोंटे कॉलोनी 2015 का सिक्वायल ओरल नेथी ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया वाणी शंकर मरकजी किरदार में है जबकि अर्जुना रविचंद्रन टेस्टरंग दोरजी और ओन पांडियान मीनाक्षी गोवर्धनराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटी कॉलोनी 2 थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोथव तहरीर करता है। आर अजय अंगना मोथव वेंकटी वेनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया। हबोली चंद्रन विजय सिब्रमण्यम आर सी राजकुमार अदाकारी और ओरोल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किन्नन ने तरमीम की है। कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीनसीएस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रिहाई 15 अगस्त 2024 रनिंग टाइम 144 मिनट जबान तामिल 2022 में विनकटी वेनु गोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 की आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीम सियास ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है। एडिटिंग कुमार एश डी। डेमोंट कॉलोनी इब्तदाई तौर पर सितंबर 2023 में रिलीज होना था लेकिन नामालूम वजूहत की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी अगस्त 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज़ होगी। फिल्म को नागदीन और शामगिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें। इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सिमोइल सीम
रिचर्ड जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिले जिक्र से याब हुआ था अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट के इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डेबी जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की और शिबा है कि शाम की मौत धा जाती नहीं थी। डेबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीराशुदा नुक्ता का इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनू हमल की कोशिश की थी जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरा खोलने के लिए जा रही है जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देखकर सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगी को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रघव मरहूम वालद की वसीयत सामने आई जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनिवास श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दिवाशी डिबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिडनी जो फ्लैट में अपनी मौत के मुंह में गिर गई थी जाग उठी। डेबी कागज़ पर लिखती है कि ये दहराएगा सिडनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ जो दोनों वाक़यात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। मौजूदा 6 जून 2021 6 साल बाद दुवाशी ने डेबी को महाकला महायाना पूजा करने का मशवरा दिया जबकि श्रीनिवास संबोधों की याद में लाइफ स्पोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के ससुर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया जिससे सिडनी की गैर फॉर्म मर्जी के मौत की जाय मिलती है जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी सिडनी की तलाश करते हैं डेबी की ने मुदाखलत करते हुए रघु को मुतनिब्बा किया कि अगर वो सिडनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाक्य पेश आया जहां सिडनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दियालन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजूदाना तौर पर रघु बच गया और सिडनी पौधों की हालत में गिर गई। दुवाशी वजात करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और सिडनी एक एटम में पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए। इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इस वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रब्ता कायम करने की कोशिश की गई तो सिडनी और रघु दोनों के चेहरे नमदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियाफ्त की ऑन सिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम जिसे शाम और राघव ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें राघव का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमन रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार
रखेगी दवा शिकीन तबाह के बावजूद राघव दयालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें चार लड़कियां मिलती हैं जिन्हें तीन मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। जी तीन लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुंचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन अनपूनस की शिनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भोजन गाने का इतराफ किया जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी सिरिनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है। जब जरूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव डैबी और दुवाशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दुवाशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था जबकि डैबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डैबी पर हमला करता है वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डैबी और दुवाशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुवाशी रसूमात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ होती है। दरियसना रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है दुवाशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है। डेमोंटे कॉलोनी ट्रू जेनस ऑफ द अनहोली के नाम से भी मार्केट किया गया एक 2024 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की माफोकल फितरत हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकार आर जी गिनागा मोथोव ने की है और इसे बॉबी बालाचंद्र ने यूनिवर पिटाल नाटॉक के बैनर तले बी टी टम निम टबाहू के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट्स डिमोंटे कॉलोनी 2015 का स्क्वायल ओरल नेथी ने श्रीनिवासन के किरदार को दोहराया। इसके साथ प्रिया वाणी शंकर मरकजी किरदार में है जबकि अर्जना रविचंद्रन टेस्टरंग दोरजी और ओन पांडियान मीनाक्षी गोवर्धनराजन और एस के किरदार में खालिद की हमायत करते हैं। डेमोंटे कॉलोनी 2 थिएटर रिलीज पोस्टर आर की तरफ से हदायत अजय अंगना मोथव तहरीर करता है आर अजय अंगना मोथव वेंकटी वेनो गोपाल राजवल ने प्रोड्यूस किया। हबोली चंद्रन विजय सुब्रमण्यम आर सी राजकुमार अदाकारी और ओरोल नीति प्रिया वाणी शंकर सिनेमाटोग्राफी हरीश किन्नन ने तरमीम की है। कुमारेश डी म्यूजिक बजरिया सीन सी एस पैदावार कंपनियां बीटीजी यूनिवर्सल वाइट नाइट्स इंटरटेनमेंट गनांगना मोथो पटाराई रेड जॉइंट मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख़ रिहाई 15 अगस्त 2024 रनिंग टाइम 144 मिनट जबान तामिल 2022 में विनकटी वेणुगोपाल को सिक्वायल के डायरेक्टर के तौर पर ऐलान किया गया था। आम इस नवंबर में गनागा मोथो ने इनकी जगह ले ली जबकि वो इनमें भी तहरीरी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज इस महीने में हुआ और इसकी शूटिंग ज़्यादातर चेन्नई में की गई थी। फिल्म बंदी जून 2023 के आखिर तक मुकम्मल हो गई। फिल्म की मौसीकी सीम सियास ने तरतीब दी है। सिनेमाटोग्राफी हरीश किरण ने की है और एडिटिंग कुमार एश डी। डेमोंटे कॉलोनी इब्तदाई तौर पर सितंबर 2023 में रिलीज होना था लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर मल्टीवी कर दिया गया। ये फिल्म 2024 को यौम आज़ादी अगस्त 15 अगस्त थिएटर के जरिए मौका पर रिलीज़ होगी। फिल्म को नागदीन और शामगिन की जानब से इसके स्क्रीन प्ले और कास्ट परफॉर्मेंस की तरफ से मुस्बत जायजे मिले। प्लाट तरमीम करें। इस मजमून को प्लाट का खुलासा बहुत लंबा या जरूरत से ज़्यादा तफसली हो सकता है। अगस्त 2024 माजी 6 जून 2009 इस खौफनाक रात को सिमोइल सीम रिचर्ड जिसने बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और एक काबिल जिक्र से याब हुआ था अपने दोस्तों के साथ जो अपार्टमेंट की इमारत से गिरे थे फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डैबी जिसने अपनी पिछली बीमारी की वजूहत की बावजूद सेम से मोहब्बत की और शादी की और शिबा है कि शाम की मौत जाती नहीं थी। डैबी की वालदा इस वक्त गुस्से में आ गई जब इन्हें पता चला कि डेबी ने शाम को जखीरा शुदा नुक्ता का
इस्तेमाल करते हुए हमला होने के लिए मसनू हमल की कोशिश की थी, जिसे इसके इंतकाल से पहले महफूज कर लिया गया था। माजी 6 जून 2015 में शाम के इंतकाल के बाद 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरा खोलने के लिए जा रही है, जब इसने एक नजूमी को खुदकुशी देख और सिडनी को ठोकर खाई। वो शाम की मौजूदगी को महसूस करती है और इसके लिए इसकी मौत की छठी बरसी पर शाम की रूह से ज़्यादा दोबारा रब्ता करने की कोशिश करने के लिए एक दवाशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रगब मरहूम वालद की वसीयत सामने आई, जिसमें इनकी 2,2500 करोड़ की वसी जायदाद की वसीयत की गई थी। श्रीनिवास श्रीनी रघुनाथन के अजनबी जुड़वा भाई विरासत में हैरत अंगेज तौर पर 70% हिस्सा हासिल करते हैं, जबकि रघुनाथन को 25% और इनकी सौतेली बहन ऐश्वर्या को महज 5% हिस्सा मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन ने अदालत में वसीयत का मुकाबला करने का फैसला किया। विरासत में अपने जायज हिस्सा का दावा करने का अजम आम की शाम की रूह के साथ रबते को आसान बनाने के लिए दुबाशी डिबी को रूहानी दुनिया में भेजता है। इस दायरे में पहुंचाया गया डेबी की रूह शाम को देखती है, जो फंसा हुआ दिखाई देता है और इसमें दिली से मदद देखती है। इसके साथ ही एक हैरत की हैरान कुल मोड़ में सिडनी जो फ्लैट में अपनी मौत के मुंह में गिर गई थी जाग उठी। डेबी कागज पर लिखती है कि ये दहराएगा। सिडनी के चेहरे की एक खौफनाक डबल तस्वीर के साथ जो दोनों वाकयात के दरमियान एक नाखुशगवार ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। मौजूदा 6 जून 2021 6 साल बाद दुबाशी ने डेबी को महाकला महायाना पूजा करने का मशवरा दिया, जबकि श्रीनिवास संबोधों की याद में लाइफ सपोर्ट के तहत डायरेक्टर रिचर्ड डेबी के ससुर के जेर इलाज हैं। रघु ने इनके हक में अदालती हुक्मनामा हासिल किया, जिससे सिडनी की गैर फॉर्म मर्जी के मौत की जाय मिलती है, जिससे रघु अपने लिए विरासत का 70% हड़प कर सकेगा। जैसे ही रघु और इनके साथी सिडनी की तलाश करते हैं, डेबी की ने मुदाखलत करते हुए रघु को मुतनिब्बा किया कि अगर वो सिडनी को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद भी अपनी मौत का सामना करेगा। इंकशाफ हुआ है कि 6 जून 2015 को बैक वक्त एक वाक्य पेश आया, जहां सिडनी अपने फ्लैट से गिर गई। नशे में धुत राघव दियालन के साथ झगड़े के बाद होटल की छत से गिरा। मौजूदाना तौर पर रघु बच गया और सिडनी पौधों की हालत में गिर गई। दुबाशी वजात करता है कि जुड़वा बच्चे रघु और सिडनी एक एटम में पैदा हुए और एक ही वक्त में पैदा हुए। इन्हें कायनाती तौर पर उलझाया गया है और इस वो एक ही वक्त में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने इंकशाफ किया कि जब शाम की रूह से रब्ता कायम करने की कोशिश की गई तो सिडनी और रघु दोनों के चेहरे नमदार हुए। डीबी और रिचर्ड ने मजीद तफ्तीश की और एक पुरस्कार किताब दरियाफ्त की, ऑन सिंकिंग ऑफ ए फॉलन किंगडम, जिसे शाम और राघव ने आखिर में पढ़ा था। किताब 6 सालों में सिर्फ एक बार चेक की गई थी और जिसने भी इसे लिया था वो इसे वापस नहीं किया, लेकिन 6 जून को पुरस्कार तौर पर इसकी मौत हो गई। बूढ़े लाइब्रेरियन ने इसे बरामद करके दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया। मजीद तफ्तीश करने पर इन्हें राघव का लिखा हुआ डेमोंटी कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलता है, जिसमें एक बुरी ताकत की कहानी बयान की गई है जो हर साल बार जंजीर का दावा करने के लिए आती है। मरने वालों की रूहें डेमोंटे की दुनिया में पुनर्जन्म के बगैर फंसी हुई हैं, तहम अगर 6 साल के चक्कर में जंजीर की वजह से कोई मौत नहीं होती है तो शैतानी चक्कर ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड राघव से इल्तजा करता है कि वो अपने बेटे की रूह को पुरमन रमानगी के लिए बचा ले ताकि वह सुकून से आराम कर सके। दवाशी डेबी राघव और दियालन को डेमोंटे के घर की हिफाजत के लिए भेजता है और इन्हें खबरदार करता है कि वो किसी को भी दाखिल होने से रोकें, क्योंकि खौफ की तफरी सिर्फ डेमोंटे की वहशत को बरकरार रखेगी। दवाशी की इंतबाह के बावजूद राघव दियालन और इंस्पेक्टर चंद पुलिस वालों के किरदार के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस आए। इन्हें 4 लड़कियां मिलती हैं, जिन्हें 3 मादा भूतों ने कैद कर रखा था जो राघव के लिए आने के लिए गायब हो जाती हैं। दी 3 लड़कों में से एक इंकशाफ किया कि इन्हें इनकी लाइब्रेरी से पुर असरार किताब पढ़ने के बाद इनके कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में डेमोंटे के घर पहुंचाया गया है। दयालन कॉलेज के सिक्योरिटी कैंटे की फुटेज की छानबीन करता है और लाइब्रेरियन फोनस
की शिनाख्त करता है जिसने इन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर हासिल करने के लिए किताब से भोजन गाने का इतराफ किया जिसे इन्हें चिपके से राघव को कोर्ट में रखा था। दुआशी सिरिनी की जान से डरता है और दूसरे राहबों को महायान पूजा शुरू करने के लिए हिदायत करता है। जब जरूरी हो फरबा का इस्तेमाल करें। रेस्तरां के अंदर फंसे हुए राघव डैबी और दुआशी एक वीडियो में देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि राघव दुआशी और छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां में ऑर्डर लेने आया था जबकि डैबी शीशे के कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही राघव डैबी पर हमला करता है वीडियो अचानक सामने आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। डैबी और दुआशी इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिनको इन्होंने वीडियो में देखा था, जहां इन्हें शैतान या दज्जाल की इबादत से वाबस्ता फौकियत का सिग्नल मिलता है। जंजीर के गर्म होते ही दुआशी रसूमात शुरू करता है जिससे रघु को तकलीफ होती है। दरियसना रिचर्ड दम घुटने से मार गया। डेमोंटे की रूह आती है दुआशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और इसे मार देती है।